फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वी लॉग में। और मैं जो तैयार देख रही हूँ, जैसे आप लास्ट वी लॉग में मैंने बताया था कि मैं जाऊँगी वहाँ पर जगराते में, यानी दुर्गा जागरण में, तो और यहाँ देखिए अविष्का सो गई है, इनके पापा जग रहे हैं क्योंकि अविष्का कह रही है कि कोई ना कोई रहना चाहिए। और इस समय बज रहे हैं 11:55। इतनी लेट में स्टार्ट हुआ ना, बहुत ज़्यादा लेट में स्टार्ट हुआ, तो सब तैयार मतलब बैठे तो थे पर तैयार नहीं हो रहे थे। हमने पता नहीं कभी स्टार्ट होगा, तो बहुत लेट में स्टार्ट हुआ। तो अब जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि जागरण में क्या क्या व्यवस्था है और किस तरह से हो रहा है, क्योंकि आवाज़ तो आ रही है यहाँ पर जागरण की। घूमेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं, आप जल्दी ले आना। मेरा क्या जाना है? मैंने दो होल मारने, एक बिहार मारूंगा, एक यूपी मारूंगा, एक पंजाब मारूंगा, चार चार ट्रक। पहले हमारी जो बेटी जी खड़ी है, इनको माँ झंडे वाली जी की तरफ से एक चांदी का छतर, जिसका पूजन चल रहा है, तो चांदी का छतर हम अपनी इस बेटी जी को देंगे माँ की तरफ से। जो थी Oh,
बन जाए बता देना, क्योंकि चाय पर जो है अपनी ड्रेस चेंज कर लिए क्योंकि साड़ी में मुझे बहुत ऑड लग रहा था, बहुत देर तक बैठना मुश्किल हो रहा था। और अब मैं जा रही हूँ तारा की कहानी सुनने के लिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी है। तो मैं जाती हूँ तारा की कहानी सुनने, और आप लोग भी चलिए सुनिए। समय ने पलटा खाया, द्वापर युग शुरू हो गया। एक ऋषि ऐसा था जिसके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा था, उनका नाम था दुर्वासा मुनि। मैं आ गई हूँ प्रसाद वगैरह लेकर के, और अभी समय सुबह के 6 बज रहे हैं। पनी पूरा रात देखिए, तो घड़ी में बज गए हैं पूरे 6, और अब जाके ख़त्म हुआ है। और आपको बता दूँ, एक बहुत अनोखी चीज़ मुझे मिली है। और वो क्या मिली है, और कहते हैं ये बहुत ही, ये जो चीज़ मिलती है बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये जो प्रसाद होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रसाद होता है, और मतलब कि मेरा मन भी होता है कभी कभी इस प्रसाद को लेने का, जो आज मुझे मिला है। और रियल में बहुत बहुत खुश हूँ। और वो देखिए, ये देखिए, ये मुझे मिला है चांदी का छतर। मतलब कि वहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रसाद होता है वो चांदी का छतर होता है, तो जो मुझे मिला है यहाँ पर चांदी की छतरी, तो ये मुझे प्रसाद में मिली है। क्योंकि वहाँ पर हो रहा था कि जो लोग मतलब कि श्रद्धा से नाच रहे थे, गा रहे थे, तो जो वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, जो गा रहे होते हैं, जो जगराते वाले होते हैं, वो कहते हैं माता जी हमें जो है आज्ञा देती हैं कि इनको देना है। तो कह रहे हैं, कह रहे कि बेटी आज तुम्हारा नाम है। तो इसलिए मुझे चांदी का छतर मिला, और मुझे खुशी भी हुई कि मुझे कभी नहीं मिला ऐसे जगराते में, कभी नहीं मिला। और पूरा जगराता मैंने सुना, और रियल मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इस बार का जगराता। अब माता से प्रार्थना करके आई, मेरे जल्दी जल्दी पैर ठीक कर दे, ताकि मैं अपनी वैष्णो देवी की जो एक मान मैंने किया है वो पूरा हो जाए। और आई होप सो, शायद माता जी मेरी इच्छा पूरी कर दें। बस चलिए, इसी के साथ अपने व्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि रियल में मैं बहुत हैप्पी हूँ। और अब मैं सोना नहीं है, अब मुझे थायराइड की दवा खा के चाय वाय बनाऊँगी मैं आधे घंटे बाद। तो बस आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोग ने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हंसते मुस्कुराते फिर से कहती हूँ जय माता दी। और बस माता जी का नाम लेते हुए आप लोग के अच्छे की कामना करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।